हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वापस हम लोग आ चुके हैं राफ टू सर्वाइवल में। लास्ट वाला एपिसोड में जो हुआ हमारे साथ बहुत गलत हुआ था, क्योंकि मेरे पास सब कुछ था और हम उस आइलैंड में गए। वहां से दो जगह तो हम लोग जाके आ चुके थे, ब्लूप्रिंट भी मिल चुका था, लेकिन जब तीसरी जगह जा रहे थे तो जो बियर थी ना, वो मामा बियर थी और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। मुझे पता है कि वो अगर मैं सब कुछ मेरे पास होता तब भी मैं उसको नहीं मार पाता, क्योंकि यार मैं उन दोनों बियर को सेम समझ रहा था। एक जो दूसरा बियर था शायद जो मेल था उतना ताकतवर नहीं था, लेकिन जो दूसरी वाली बियर थी वो बहुत ताकतवर थी और वो डैमेज भी ज्यादा देती थी। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, हम लोग इतना भी कमजोर नहीं थे, वो ज्यादा ताकतवर थी। अब मैं वापस पीछे वाले एक आइलैंड में गया था जहां से मैंने थोड़ी बहुत चीजें रख रखी है। अब हमको ना दोबारा से सब कुछ काम करना पड़ेगा, मतलब मुझे दोबारा से ना सारा सामान इकट्ठा करना होगा और फिर जाके हमको चीजें करनी होंगी। तो मैं एक बार देख रहा हूँ कि क्या हम लोग आइलैंड की तरफ तो वापस जा रहे हैं, बट मुझे देखना है कि देखो मेरी पानी की बोतल दो थी वो भी गायब हो चुकी, सब कुछ ही चला गया यार। तो अभी ना फिलहाल मैं यहाँ से पानी निकाल लेता हूँ, इसमें पानी भर लेते हैं और देखता हूँ कि मेरे पास मैंने मेटल वगैरह थोड़ा सा इकट्ठा किया था आइलैंड से, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या मैं कुछ टूल्स वगैरह बना सकता हूँ दोबारा से, क्योंकि अपने पास ना टूल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मेरे को सबसे पहले तो एक ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना वो चीज़ मैं बना रहा हूँ। पहले मेरे को एक मेटल स्पेयर चाहिए, मेटल मेरे पास बोल्ट भी है जहाँ तक मेरे को है यार। एक सेकंड, मेरा बोल्ट था ना गायब हो चुका है। ओके कोई बात नहीं, चलो मेटल मेरे पास, यार मेटल एक भी नहीं है क्या मेरे पास, फिर तो दिक्कत है, फिर हमको मेटल निकालना पड़ेगा। पहले पेंट दिख रहा है मेरे को, पेंट की जरूरत नहीं है अभी, एक बार सारी चेस्ट खंगाल के देख लेता हूँ कि क्या पता कुछ हो अपने पास। तो अपने पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब जाके मुझे सब कुछ दोबारा से इकट्ठा करना होगा और ये अभी खाना कुक करने के लिए इसी को रखता हूँ मैं। कुछ तो है नहीं अपने पास यार। चलो एक सेकंड, सीड के लिए है क्या? अबे ला उबालने रख दिया मैंने सारा सामान। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, और ये दूसरी जगह है ना, ये वही जगह है जहाँ से जाने का रास्ता था, ये दूसरा वाला एरिया है। तो मेरे को ना यार मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे पास यार। एक सेकंड, मैं अपनी राफ्ट को उधर लेके जा रहा हूँ ताकि वो जो बैरल है ना ये आ जाए। खैर वो हमारे कब्जे में आ जाएगा, बैरल आ जाएगा। पानी की प्यास लग रही मुझे, पानी वानी पी लेते। यार खाने को मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं मतलब क्या करूँगा, कैसे होगा, हमको सर्वाइव करना है दोबारा से। तो एक बार देखते हैं कि इनमें से कुछ काम की चीज़ें मिल रही हैं क्या अपने को। मुझे वैसे वुड ही दिख रहा है यहाँ पे, तो वुड के एटलीस्ट मैं कुछ कुछ चीज़ें बना के हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। दोबारा से मेरे को सब कुछ करना है, मैं ट्राई करूंगा आज अगर मामा बियर को मारने का। पहले तो हम लोग आइलैंड में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपना काम है वो करेंगे, बट फिर लगेगा कि यार हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं तो मैं उसको मारने की पक्का कोशिश करने वाला और मारूंगा। उसने मेरे को मारा था ना, तब मुझे नहीं पता था कि उसको वो कितनी ताकतवर है, लेकिन अभी मुझे पता है और अब मैं उसको पक्का मारने वाला। मेरे पास एक मेटल है सिर्फ, और कॉपर वगैरह तो है ही अपने पास। यहाँ पे कुछ नहीं है क्या मेटल? अरे यार बिना मेटल के काम कैसे चलेगा अभी। वाइन एक्सप्लोसिव वगैरह सब दिख रहा है यहाँ पे इनका तो। ओ ये वो तो वही जगह है ना। ओके मैं एंकर ड्रॉप करता हूँ और अपना इंजन बंद करता हूँ, पहले सो जाता हूँ यार। कल सुबह आज इस वाले गद्दे में सोते हैं, बहुत पिटाई खा ली है तो आज इस वाले गद्दे में सोते हैं, ठीक है। अब जाके चलते हैं नीचे। इंजन यार ये दिमाग खराब करते रहता, चलते रहेगा, ये नहीं कि बंद हो जाऊँ खुद। मैं यहाँ से नीचे भी गिर सकता हूँ वैसे, इसको भी बंद करो। चलो अब अपने पास कुछ तो है नहीं, मैं पहले वुडन की कुछ चीजें बना लेता हूँ, हुक वगैरह प्लास्टिक का बना लेता हूँ। अब नीचे से ना थोड़ा मेटल लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नीचे मेटल मेरे को दिख तो रहा था, स्क्रैप वगैरह तो दिख रहा है, लेकिन मेरे को मेटल चाहिए। अब मेटल लाने के लिए मुझे शार्क भी दिख रही है यहाँ पे। मैं क्या एक वो बना सकता हूँ, वुडन का स्पेयर रोप चेन बन गया। अगर इनकेस अगर ये आती है तो मैं इसको मार तो पाऊंगा। मेरे को दिख रहा है मेटल यार, इससे इग्नोर करो, मैं फटाफट ना मेटल निकालता हूँ यहाँ से। मेरे को कम से कम 4-5 मेटल चाहिए ताकि मैं एक मेटल का स्पेयर बना सकूँ, और एक्स वगैरह की तो कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, हाँ मुझे बो बनानी है, मुझे कुछ मेटल के एरोज बनाने, तब जाके मैं सिक्योर फील करूँगा। ऊपर जा रहा हूँ, मर गया था अभी। शार्क अभी है नहीं ना, सही है। मेरे को फिशिंग रॉड बनानी, मेरे को खाना इकट्ठा करना है यार, बहुत काम हो गए। मतलब देख लो पूरी तैयारी के साथ गए थे, बट शायद मेरे को थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए थी पहले कि कैसा होगा वहाँ पे, किस तरीके से जाना है। बस वही है, उसी का खतरा था। अगर वो नॉर्मल वाला बियर होता ना तो शायद मैंने उसको मार लिया होता यार, पहले वाले को तो मारा ही था ना, तो उसको भी मार लिया होता। अब तो खैर अब ऐसा नहीं होने वाला, अब मैं मारूंगा उसको भी मारूंगा और मामा बियर को भी मारूंगा, दोनों को, मामा डैडी दोनों को मारूंगा मैं अभी। ये मेरे को कॉपर भी मिल रहा है, कॉपर भी अपने पास वैसे कम है, निकाल ही लेते हैं जितना मिल रहा है। फ्री का सामान जो भी मिल रहा है ना रख लो, बटे और लो। अब मेरे को देखना है कि मेरे को थोड़ा सा मेटल और चाहिए। हम लोग उस तरफ को जाते हैं, शायद वहाँ पे मिल जाए मेरे को थोड़ा मेटल। स्क्रैप वगैरह भी इकट्ठा कर ही लेता हूँ, स्क्रैप भी चाहिए यार। स्क्रैप भी तो नहीं है अपने पास, कुछ भी नहीं है। उस शिट, खाना नहीं है अपने पास, खाना नहीं है। मेरे को ये क्या बोलते हैं इसको, कंटेनर दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इसमें कुछ होगा नहीं ना यार। मेरे को ना पहले फिशिंग रॉड बनानी है, एक वुडन की 8। अबे ले एक चाहिए मुझे और, 8
हो जाएंगे तो मैं फिशिंग रॉड बना पाऊंगा। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है क्या? शूट नहीं, खाने को कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं यहाँ से अंदर घुस सकता हूँ क्या नेट से? मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अरे नहीं 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 घुस पा रहा हूँ, नहीं घुस पा रहा हूँ, मैं तो दब गया यहाँ पे। अबे ले, मैं वैसे ही भूख से हालत ख़राब हो रही है। मेरे को एक शॉर्टकट रास्ता बनाना है अपने यहाँ से ना, शिप के नीचे से, कि नीचे से घुस कर निकल लो। शार्क भी आ गई, शुरुआत भी अच्छी नहीं हो रही हमारी आज की, लेकिन नहीं, आज हम लोग अच्छे से काम करेंगे। फिलहाल मुझे ऊपर तक पहुंचना है किसी भी हाल में, ताकि मैं खाने के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर पाऊं। मैंने कुक करने रखा हुआ था वैसे, तो कोई टेंशन नहीं है। पानी वानी पी लेते हैं। थोड़े से ना क्रॉप फील्ड भी मेरे को एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, ताकि अपने पास एक बार में बहुत सारा खाना इकट्ठा हो सके, क्योंकि अभी हम लोग कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं खाना, तो हमको चाहिए भी ज़्यादा। चलो कम से कम ये पक तो गया यहाँ पे, अब खा लो इसको जल्दी से। और वहाँ शार्क ने अटैक भी कर दिया, मुझे दिख रहा है। चलो अभी इसको छोड़ो, अभी इसको छोड़ो। कुछ मेरे पास है क्या? रोप वगैरह कुछ भी नहीं है। रोप चाहिए ना अपने को। ओके, तो एक मैंने ये क्राफ्ट कर लिया। अब जाके थोड़ी फिशिंग करते हैं, और तब तक थोड़ा अपना मेटल स्मेल्ट करने रखता हूँ मैं। चलिए मेटल इकट्ठा हो जाएगा, तभी हम लोग आगे जो काम है वो कर पाएंगे। ये भी निकाल लेता हूँ, ये भी निकाल लेता हूँ। और मेटल नहीं है क्या अपने पास? मेटल एक था ना। चलो ठीक है, अब जाके थोड़ी देर गाइस मैं फिशिंग करने वाला हूँ, फिश इकट्ठा करने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग तभी जा पाएंगे। खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे पास खाना बिल्कुल भी नहीं है अभी तो, सरवाइव करने के लिए भी। तो गाइस सारी तैयारी हो चुकी है, और मेरे को ना एक राउंड लगाना पड़ा पूरा, ताकि मैं सारी चीज़ें कलेक्ट कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर वुड खत्म हो चुका था। तो अभी मैंने वापस से इसको लगा दिया यहाँ पे, और मैं बस एग कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये एग ना बाद में काम आने वाले हैं बहुत। अभी नहीं, लेकिन बाद में काम आने वाले। तो अभी ना पहली बार मैं जाकर ना चीज़ों को अवॉइड करने वाला हूँ, मतलब मैं उस बियर को अवॉइड करके पहले अपना जो मिशन है, यानी कि हमको दो स्टेशन पर और जाना है, उनको एक्टिवेट करना है। तो उसके बाद क्या होगा पता नहीं, बट वो जो काम करना है वो हम लोग पहले कर लेते, उसके बाद हम लोग उस मामा बियर को मारने के लिए जाएंगे। वैसे मैं बो लेके आ रखा हूँ अभी भी, बट देखते हैं कि कैसा रहता है। फिलहाल थोड़ा ध्यान से मेरे को जाना होगा। बियर दिखता है इस बार, तो बियर को तो मुझे पता है कि कैसे मारना है। खाना वाना यहाँ पर कर लेता हूँ, बहुत ध्यान से जाना है। ठीक है, तो मुझे पता है कि वो मामा बियर किस साइड है। अब तो वो वाला बियर भी शायद स्पॉन हो चुका होगा वापस से। ध्यान से, ओके अब मैं डर गया था अभी, मुझे लगा कि कौन है। तो यहाँ पे ना वो वाला बियर होगा, और यहाँ की साइड को देखो, हम लोग ये दो जगह पे हो आए हैं। अब मुझे ना यहाँ जाना है, तो पहले मुझे ना यहाँ से बेरीज कलेक्ट करना है, उसका ध्यान भटकाना है, तब हम जाके जो अपना काम है वो करके आएंगे, और बाद में उसको मारेंगे। क्योंकि जो बेरीज होती ना शायद वो इनफाइनाइट होती, तो हमको वाइल्ड बेरीज ढूंढनी है। कल मैं यहाँ आया तो था, लेकिन मैंने बेरीज ली नहीं यहाँ पे, मुझे पता भी नहीं था। तो अभी जाके हम लोग जाने वाले हैं। मेरे को ना एक बार ट्राई करना है कि क्या हम ये पाइन ट्री को कट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ये बहुत काम की चीज़ होगी, मतलब हमारे पास वुड अभी, ये देखो ये है ना, ये देखो, ये कलेक्ट करना भूल गया था मैं कल। तो मेरे को देखना है कि क्या यार ये कलेक्ट कट नहीं सकता। ओके कुछ भी नहीं कट रहा है। चलो थोड़ा सा ना और देख के आते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ होगा नहीं। यहाँ पर जो भी नोट्स वगैरह थे वो तो मैं ले चुका था, तो यहाँ और कुछ भी नहीं होगा। अब मेरे को देखना है कि हम आगे कहीं पर जाएं, कुछ और चीज़ें हैं क्या यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ से ना वापस चले जाते हैं। यहाँ का काम अपना हो चुका है, यहाँ पर जो भी चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ले ली है। अब हम वापस चल रहे हैं प्रॉपर तरीके से। मेरे पास वाइल्ड बेरीज ओके कलेक्ट हो रखी हैं, बट दिख नहीं रही है। तो शायद सीधे ऐड करने का ऑप्शन आएगा, कि मतलब उसमें जो बास्केट थी वहाँ पे एक ब्लू वाली रखी थी ना उसमें। फिलहाल थोड़ा ध्यान से, अब मुझे देखना है कि कहाँ पे थी वो मामा बेरी, मामा बियर इधर इधर है। ओके 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 इधर है। तो मुझे पहले ना दूसरी साइड में कुछ और बेरीज है, पांच बेरीज हमको लेके आनी होती है, तो मैं पांचों पांच बेरीज लेके आने वाला हूँ। ओ शिट, मेरा खाना, यार मैं खाना वाना खा लूँ पहले, थोड़ा पानी पी लूँ। मैं रात के टाइम पे ही क्यों आता हूँ यार। अब जाके यहाँ पर हमको वो वाला बियर मिलेगा, मुझे लग रहा है कि मुझे ना वापस जाना पड़ेगा, कल दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि रात के टाइम पर यार नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी। यहाँ पर वो ना वो वाला बियर होगा, मुझे दिख नहीं रहा अभी। गया ये तो, मतलब ऑलरेडी मैंने इसको डैमेज कर रखा था तब चले गया, बट मेरे को इसको कैसे मारना है अभी वो मेरे को समझ में आ चुका है। अभी फिलहाल हम लोग ना अभी, क्योंकि मार रखा है बार बार, ये स्पॉन होता है यहाँ पे ना, थोड़ा देख के आ जाते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। खाना वाना खा लेते हैं, खाना वाना खा ही रखा है। मेरे को यहाँ से जाना था, मेरे को बेरीज लेके आनी, मैं बेरीज ले आता हूँ, उसके बाद हम लोग कल आएंगे फिर वो काम करने के लिए। बट मुझे एग्जैक्ट लोकेशन भी तो नहीं पता बेरीज की यार, और कहीं पर भालू ना हो अभी। ठीक है तो हम लोग, ओ यहाँ पे बीज भी हैं, यानी कि मेरे को नेट वेट बना के लेके आने पड़ेंगे यहाँ पे। अभी हमको मारेंगे नहीं मारेंगे ये नहीं पता, नहीं मारे तो ज़्यादा बेटर है यार, मैं चाहता नहीं कि ये लोग अभी हमको मारें यहाँ पे। अरे यार ये तो मैं अलग जगह पर आ चुका हूँ, रात का टाइम है ना, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा, मेरे को बैरीज ढूंढनी थी। ओ शिट नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं मार पाएगा। मार मार मार, अरे नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं मैं फंस गया था।
ये क्या करा इसने? ये मामा बियर तो नहीं कहीं? नहीं नहीं वो नहीं होगा, वो तो अभी बहुत डैमेज मिल गया होता। वो नहीं है यार, वो होता अभी तक बहुत डैमेज मिल गया होता। फिलहाल इसका जो मीट वीट है कलेक्ट करते हैं। लेदर भी मिल चुका मेरे को, आर्मर तो भी बना सकता। मेरे को नेट बना के भी लेके आना था। नेट बनाने के लिए क्या चाहिए था? मैं यहाँ से ना बीज कलेक्ट करके लेके जाता यार। अरे बहुत सारी चीज़ें, मैं बीहाइव कलेक्ट कर लूँ क्या यार? अभी बीहाइव नहीं कलेक्ट कर रहा। मेरे को ना वो चाहिए था जो मैं ढूंढने आया था, मुझे बेरीज चाहिए थी यहाँ पे। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि बेरीज हैं कहाँ पे यहाँ। मैं सही तो जगह आ रखा हूँ ना यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत आ रखा हूँ। एक तो रात का टाइम है, वैसे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि यार अभी मुझे निकलना चाहिए यहाँ से, ठीक है? मुझे दोबारा आना पड़ेगा कल, थोड़ा सा पानी वानी लेके। और रात का टाइम हो गया तो अभी रिस्क नहीं लेना चाह रहा मैं। बियर पता भी नहीं चल रहा काला काला अंधेरे से कहाँ से निकल के आ रहा है। तो अभी तो हम लोग यहाँ से गोली हो रहे हैं सीधे वापस। मेरे को देखना है रास्ता किधर से है। यहाँ से होगा, मैं कहीं ना सीधे उस बियर के पास। ओ मेरे को लग रहा है कि हम सही जगह जा रहे हैं शायद। यहाँ पर बैरीज मिल सकती है हमको, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ देखो एक बैरी तो ये है, चार हो चुके मेरे पास, अब चार हो चुके, सॉरी पाँच। तो पाँच बैरीज अपने पास हो चुकी हैं, पाँच ही अपने को चाहिए भी थी। और मेरी बोट भी कहीं पर यहीं पर होगी। चलिए बैरीज तो मिल चुकी है, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। हम लोग ये ट्री को कट नहीं कर सकते ना, मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया, नहीं कर सकते। ओके अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सही सलामत, बस वापस अपनी राफ्ट में चले जाऊँ, क्योंकि मेरे को ना दिख नहीं रहा कुछ भी अभी। और मामा बियर से हम लोग कल जाके लड़ेंगे, क्योंकि अभी अभी मुझे डर लग रहा है। सही बोलो तो मुझे डर लग रहा है उसको देख के। मुझे पता है उसको कितने एरोज लगते हैं उसको मारने में। अगर मैं एरोज से मारता हूँ 50 मेटल एरोज जिनका डैमेज ज़्यादा होता है, तो सोचो कितना मतलब पावरफुल होगा यार वो। मैं रास्ता किधर से है यार, मैं सही सलामत घर पहुँच जाऊँ बस। ओके मुझे लग रहा है कि सही जगह से जा रहे हैं हम लोग शायद। नहीं नहीं ये गलत जगह है, मुझे लग रहा है हमको ना, ये वो जगह है ना जहाँ पर मैं पहले आया था आई थिंक। हाँ ये वही जगह है। एक सेकेंड यहाँ पर साइकिल की आवाज़ आ रही कहीं पर, कुछ तो है यहाँ पर। देखो साइकिल की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, ये देखो ये है बस। एडवांसमेंट आई पिंग करके, मुझे लग रहा हम थोड़ा आगे पहुंच गए, कहीं भटक से गए हम लोग। ये तो वही जगह पे जहाँ पे मैं भी आया था यार। उजाला क्यों नहीं हो रहा है? मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे। अपना थोड़ा ध्यान से देखता हूँ, ठीक है? हम लोग को 4-6 में नहीं जाना अभी, हमको ना इस रेंजर स्टेशन की साइड को जाना है, क्योंकि ये जगह मेरे को पता है। यहाँ से मैं पहले आया हुआ हूँ तो हम लोग दोबारा यहाँ से आ सकते हैं वापस। तो ट्राई करते हैं यहीं पर जाने की। खाना वाना खा सकता हूँ। अरे यार ये वही है ना। दूर हट जा यार, अबे दूर हट। ओके तो एक और बियर देखो, फटाफट से एक के बाद एक स्पॉन होते जा रहे हैं, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। अभी मेरे पास लेदर बहुत इकट्ठा हो चुका, अब मेरे को सही सलामत घर पहुंचा दो। अभी तो यहाँ एटलीस्ट इस जगह पर तो कोई बियर नहीं होगा, मुझे इनकी इसकी टेंशन नहीं है, इसको मैं अब निपट लूँगा। इससे मुझे टेंशन है मामा बियर की, वो कहीं ना आ जाए। मुझे लग रहा है इस साइड को जाना है। ध्यान से जाना पड़ेगा, चुपचाप चुपचाप। ओके मुझे लग रहा है मैं सही जा रहा हूँ शायद। सुबह भी होने को है वैसे, बट मैं फिर भी एक बार वापस जाना चाह रहा हूँ। मैं ना कुछ कुछ चीज़ें करके आने वाला हूँ वहाँ से। मैं जा रहा हूँ, मुझे अभी मैं भटक सा गया हूँ। मैं वापस जा रहा हूँ एक बार। अबे ले फिर से वही जगह पहुँच चुका हूँ यार। मैं यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ। रेंजर स्टेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं वापस से गाइस। ओके मुझे लग रहा है कि मैं आ चुका हूँ। हाँ फाइनली मैं अपने राफ्ट के पास पहुँच चुका हूँ। सामान रख के आता हूँ, देखता हूँ अगर ये मैं लेदर का कुछ आर्मर बना पाया तो। बन जाएगा वैसे, कुछ कुछ तो बना के लेके आ जाता हूँ। एटलीस्ट हमको प्रोटेक्शन मिलेगी मामा बियर से। अगर इनके साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं भाग सकता हूँ, वरना वो डैमेज बहुत ज़्यादा देती है। तो यहाँ से अभी हमको दो स्टेशन पर और जाना है, उसके बाद मेरे को एक बी नेट भी बनाना है। मेरे को बीज भी कलेक्ट करनी है और बी हाइव्स कलेक्ट करने हैं, ताकि हम लोग जो बायोफ्यूल वगैरह बना पाए ना उसमें काम आएगा हमारे। चलिए जैसे तैसे पहुँच चुका हूँ मैं वापस। मुझे पानी भरना है मेनली, पानी खत्म हो गया मेरा। ओके मीट वीट भी कुक करने रखूंगा फटाफट से, दोबारा तैयारी करते हैं उसके बाद हम लोग फिर निकलेंगे यहाँ से। ओके तो वूल मेरे पास बहुत सारा है, मैं पहले बॉडी आर्मर बनाता हूँ एक, उसको हम लोग पहन लेते हैं बॉडी में। उसके बाद ये क्या है, हेलमेट बनाता हूँ एक, हेलमेट पहन लेते हैं हम लोग। और एक ये भी बना ही लेता हूँ। ओह इसके लिए मेरे को वूल ज़्यादा चाहिए। ओके तो इसको नहीं बनाता हूँ मैं। हेडलाइट तो मेरे पास है, तो बाकी जो लेदर बचा हुआ है ना वो मैं रख देता हूँ वापस। बचा भी है, चार लेदर बचा हुआ है वैसे, वूल कम है।
तो इसके लिए हमको क्या कम पड़ रहा है? इसके लिए मेरे को लेदर भी कम पड़ रहा है और वूल भी। खैर कोई बात नहीं, वो बाद में आ जाएगा। मैंने आर्मर बना लिया, एक बार मेरे को देखना है कि मैं लग कैसा रहूं। यही आर्मर है बस। ओके कोई बात नहीं। एरोज मैंने बना लिए थे ना, एरोज बन चुके थे। एरोज मेरे पास कितने हैं? काफ़ी होंगे अगर इन केस ऐसा कुछ होता है तो, चल जाएगा हमारा काम। बाकी कुक हो रहे हैं क्या? वुड नहीं है ना, वुड चाहिए होगा मेरे को थोड़ा सा। वुड है क्या कहीं पर? मेरे को लग नहीं रहा कि मेरे पास। ओके है थोड़ा सा, शायद थोड़ा इधर भी है। ओके इनको कुक करते रखते हैं फटाफट। ओके अब इसके लिए वुड फिर से ख़त्म हो चुका है। एक ना कुछ हम लोग बना सकते हैं इनकेस अगर कुछ होता है तो, हम खुद को ना हील कर सकते हैं। मेरे को देखना है कि क्या है ये। इसके लिए क्ले चाहिए हमको और एग चाहिए, तो मैं बना रहा हूँ दो एग और हमको चाहिए क्ले, तो शायद इससे हम लोग हील कर सकते हैं खुद को। मैं दो एक्स्ट्रा बना रहा हूँ। ठीक है पानी वानी रख लेते हैं, पानी हो चुका है, अब बस निकल ही रहे हैं यहाँ से, काम हो चुका हमारा ख़त्म। ये भी रख लेता हूँ। एक सीड मिले क्या? सीड लगा लेते हैं। मेरे पास मेटल नहीं है ना, मैं और मेटल के एरोज बना लेता, वरना अगर मेटल होता तो। नहीं मेटल नहीं है अपने पास, चलिए कोई बात नहीं। मेरे को दो एग और निकालने और उसके बाद मैं ये दो बना रहा हूँ। ठीक है ये हम क्ले यूज़ कर सकते हैं अपने को हील करने के लिए। खाना ये कुक हो रहा, बस ये वाला खाना लेके जा रहा हूँ मैं, या ले जाने की ज़रूरत है भी इतनी नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि इतने ले जाने की ज़रूरत है, हम लोगों ने सीधे ही चल रहे हैं इस बार। सीधे चल रहे हैं, इतना ले जाने की ज़रूरत है नहीं वैसे। तो वापस हम लोग आ चुके हैं और अब जाके मैं दूसरी डायरेक्शन में बढ़ने वाला हूँ, यानी कि रिले स्टेशन 4 और 6। ठीक है तो पहले हमको जाना है, यहाँ का काम तो हो चुका था, 4 और 6 इस डायरेक्शन में है। यहीं पे शायद वो मामा बियर भी है, बट 4 में और 6 में किस में ये मुझे। ओके मेरे को सामने वो क्रेट दिख रही है, तो मुझे लगता है कि ना पहले मेरे को निपटा लेना चाहिए वो काम। तो मैं ना बहुत धीरे धीरे करके बढ़ रहा हूँ। ठीक है मैं बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, मुझे दिख भी नहीं रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो अभी ना चुपचाप बैठी हुई है, तो शायद वो मुझे कुछ करे ना, क्योंकि एक बार वहाँ मैंने डाल दी ना बैरीज, तो मैं अपना काम आराम से कर सकता हूँ, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा रिस्की होगा। कहाँ पर वो क्रेट? ओके मेरे को दिख नहीं रही अभी वो, मेरे को लगता है मेरे को थोड़ा ध्यान से जाना चाहिए। एक सेकंड, क्रेट कहाँ चली गई? आगे है क्या? और मुझे लग रहा है आगे है शायद वो। थोड़ा आगे है वो शायद, मेरे को दिख तो रही थी वहाँ से लेकिन। ओके दिख गई। बहुत ध्यान से मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा, यहाँ से पीछे से कोई आ गया ना तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। चुपचाप डालना, नींद में है क्या? वहाँ पर ना पीछे एक केव है, तो वहाँ पर है इस, वो केव की रखवाली करने के लिए है। खा ले, इनफाइनाइट है तो आराम से खाती रहेगी। हम लोग यहाँ से भी निकल रहे हैं, मैं फिर भी मेरे को डर तो लग ही रहा है, कुछ भरोसा नहीं उसका, कभी भी आ जाए वापस, मन ना करा खाने का। अभी इसको छोड़ते हैं, हम लोग बाद में इसको किल करेंगे, क्योंकि पहले अपना काम करना है। ओ शिट यार, शोवल नहीं लाया मैं, मेटल मेरे पास था भी नहीं, मैं अभी कर नहीं सकता, ये हम लोग बाद में कर लेंगे, छोड़ो। मेरे पास ना था नहीं अभी मेटल इनगेट वगैरह कुछ। ओके तो ये क्रिएट है, यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें मिलने वाली है, तो देख लेते हैं कि क्या क्या। एक ब्लूप्रिंट भी मेरे को मिला है, मैं कुछ बना सकता हूँ उससे, बट वो हमको मिल भी चुका है जहाँ तक मुझे याद है। हाँ मिल चुका है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अभी फ़िलहाल। ये केव में आगे बढ़ने का रास्ता है क्या कहीं पर? ये कलेक्ट तो कर ही लेता हूँ मैं, बट आगे कहाँ से बढ़ना है इसमें? ओके यहाँ का काम हो चुका हमारा, बस इतना ही था यहाँ से। ओके अब मुझे जाना है कहीं दूसरी डायरेक्शन में ना, तो यहाँ से तो हमारा काम हो चुका है, अब मुझे देखना है कि हमको कौन सी डायरेक्शन में बढ़ना है। ठीक है यहाँ से हमने अपनी चीज़ें कलेक्ट कर ली है, अब कहाँ पे था वो साइन बोर्ड? वो साइन बोर्ड था इधर कहीं पे। रिले स्टेशन 4 और 6। ओके तो पहले 4 के लिए हम लोग जाते हैं यहाँ से, और शायद मेरे को ऊपर की तरफ को बढ़ना है। ओके ऊपर की तरफ को मैं जा रहा हूँ। अब अगर कोई बियर दूसरा दिख गया उससे तो हम लोग आराम से निपट लेंगे। यहाँ पर मैं शायद पहले आ चुका हूँ यही जगह पर, सेम मुझे ऐसा लग रहा है। अब मेरे को ना भटक ना जाऊँ, बस मैं प्रॉपर तरीके से पहुँच जाऊँ वहाँ पे, और कुछ नहीं चाहिए अपने को। यहाँ पे तो आ चुका हूँ यार मैं, यहाँ से कहीं से रास्ता होगा क्या? शायद हम लोग जा रहे हैं कि सही जगह जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग तो रहा है हम सही जा रहे हैं। वो यहाँ पे एक और बियर है, लेकिन ये वो जगह तो नहीं है जहाँ मुझे आना चाहिए था। तो वापस मैं आ चुका हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ तो मुझे नहीं जाना था, मुझे शायद यहाँ को जाना चाहिए। ठीक है मैं भटक रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि जगह ही ऐसी हो रखी है। ओके अब जाके मैं सही आया, उस टाइम पता नहीं मैं साइन को मैंने फॉलो किया और मैं गलत चला गया, ये भी होता है। तो 4 और 6 इस डायरेक्शन में,
तो हम लोग ना ओके मेरे को यहाँ से नीचे जाना चाहिए शायद, 4 यहाँ की तरफ को है और 6 दोनों एक जगह को ही है, बट ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। अब यहाँ से मुझे जाना है यहाँ को, ठीक है। मुझे यहाँ पर ना एक और चीज़ मिल रही है कुछ, मेरे को बियर भी दिख रहा है शायद, वो मेरे को देखे ना, 4 और 6 इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ दिखा है, एक बार चेक करके आते हैं। बाकी वहाँ पर एक और बियर है, उससे मैं अभी निपटने का तो नहीं सोच रहा हूँ फिलहाल, इसको ओपन करते हैं। ओके मेरे को एक और चीज़ मिल चुकी है, ये मेरे पास है क्या? ओके वो वैसे ऐड हो गई शायद, एक बाद में कहीं पर लगानी होंगी, तो इसको छोड़ देते हैं। अभी मैं कौन सी जगह पर जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट जो भी है 4 और 6 हम लोग कहीं पर जाने वाले हैं। थोड़ा सा रात के टाइम पर अच्छा नहीं लग रहा जाना यहाँ पर, क्योंकि डर भी लग रहा है, और बाकी वो भी है, 4 इस साइड को है और 6 इस साइड को है। तो हम लोग पहले 4 पर चलते हैं, फिर वापस आ जाऊँगा मैं वहाँ से, ठीक है। तो 4 पे जाते, यार 6 पास में था क्या? नहीं, 4 पर चल रहे हैं हम लोग पहले। अब यहाँ से रास्ता लेकिन किधर को है? एक सेकंड, ये है ना 4, ये है। ओके तो यहाँ पे एक ब्रिज है, और इस ब्रिज को मुझे अभी खैर पास ही है, तो हम लोग आराम से निशाना लगा लेंगे शायद। थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, नहीं ड्रॉप हो रहा है क्या? अरे नहीं, ओके अब गिरने वाला है। चलिए एक और जो स्टेशन है वहाँ पर हम लोग कब्जा कर लेंगे, 4 आई थिंक। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं 6 पर, वहाँ पर ना केव जो हमको मिला था एक, ये देखो क्या नाम है इसका, ये हमको वहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल ऊपर चलते हैं, अभी तो कोई टेंशन नहीं है। अवेला मैं जहाँ कहीं कुछ नहीं हो सकता ना, वहाँ पर भी मैं गिरने के पूरे पूरे चांसेस हो रहे हैं, हम लोग क्राउच करके निकल जाए। ओके वापस चलते हैं, एंड में मामा बियर को किल करना होगा, बट मैं होप कर रहा हूँ यार जो वो दिया था ना मैंने उसको, वो इनफाइनाइट होगा। अरे इनफाइनाइट नहीं होगा तो फिर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर ना हमको बैरीज मिलने वाली है और ना हम उसको मार पाएंगे, क्योंकि वो एक डैमेज में 2 बार में हमको किल कर सकती है, 2 या 3 बार में डेफिनेटली। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर कुछ मिलेगा नोट वगैरह? नहीं, एक बार बाहर घूम के आ जाते हैं, अंदर तो फिर हम चले ही जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अब चल रहे हैं हम लोग। ओके पहले ऊपर ही हो आते हैं, चलो देखते हैं ऊपर क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है। चलिए मेरे को ये भी ओपन करना, मतलब इसको ये करना है। अब जाके यहाँ पर हमको एक नोट मिला, ये मिला, ये भी काम आएगा शायद हमारे, कहीं पर लगाना होगा। 2 एक्टिवेट हो चुके हैं, और उसके अलावा कुछ है क्या यहाँ पे? हो ये है ना, ये 2 चीज़ें हैं यार, ये तो मैं कैसे भूल गया। ब्लूप्रिंट मैशेट, ये तो मेरे पास है ना शायद, यही था वो। हाँ इसका ब्लूप्रिंट भी हमको मिल चुका है, यानी कि हम लोग इसको बना सकते हैं बाद में। इसका कितना यूज़ होगा पता नहीं, बट फिलहाल यहाँ से हमारा काम हो चुका है। अब चल रहे हैं नीचे, फॉल डैमेज मिलेगा तो कूद नहीं सकता मैं, आराम आराम से जा रहा हूँ। चलिए अभी यहाँ से काम हो चुका, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ ब्रिज के रास्ते ही, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे दूसरी वाली। मेरे को दिख भी रही सामने जगह, तो एकदम ऊंची वाली जगह लास्ट, उसके बाद हम लोग जाएंगे वापस अपने राफ्ट में, इंपॉर्टेंट सामान रख के आएंगे, सिर्फ बो और अपना जो वुडन इस मेटल स्पेयर है वो लेके आऊँगा, तब जाके हम लोग उसको किल करेंगे। मैं रास्ता देख रहा हूँ कहाँ से, ओके यहाँ से घूम के हमको जाना होगा। एक सेकेंड, रेंजर स्टेशन, वो रास्ता कहाँ गया यार? ये ना हो दोबारा से, बड़ी मुश्किल से आ रखा हूँ मैं यहाँ भूलते भटकते। ये रेंजर स्टेशन तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, वहीं से जाना होगा हमको, वो रेंजर स्टेशन दिखा रहा है बट और भी उसमें साइन होंगे ना। अभी अभी हट कैसे गए हम लोग? यहीं से तो आए थे यार, मैं कैसे भटक जा रहा हूँ। ओके है तो यार, मैं देखा नहीं मैंने सही से, ये है तो 6 वाला। अभी हम लोग यहाँ चल रहे हैं, खाना वाना पानी वाने पी लेते हैं थोड़ा सा, और मेरे पास कुछ ऐसा खाना है? ओके नहीं, ये वाला खाना खा लेते हैं हम लोग। अरे यार मैं दोबारा वो नेट बना के नहीं लाया ना, इसके लिए हमको बोल्ट चाहिए, बोल्ट तो था अभी। चलो इसको बैग में रखो, आऊँगा, मेरे को वापस यहाँ पर आना पड़ेगा क्योंकि मेरे को बीहाइव्स कलेक्ट करने, और यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, मतलब वही बीहाइव और बीज कलेक्ट करने के लिए आऊँगा, लेकिन पहले अपना यहाँ से काम कर लेते हैं। उसके बाद मर भी जाऊँगा तो कोई टेंशन नहीं होगी ना, मतलब हम लोग चल जाएगा। अभी मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, और अपना मिशन पहले कंप्लीट करना है। कितना दूर है यार ये वाला? यहाँ से वापस बियर दिख रहा है मुझे 6 यहाँ पे। मैं अभी बियर से लड़ना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जब मैं बीज कलेक्ट करने आऊँगा ना, तब तो सबसे मेरे को वापस लड़ना पड़ेगा। अभी यहाँ पर ना केव का, ओके समझ में आ चुका है, केव ये है ना, केव। तो पहले मुझे ये काटने पड़ेंगे, ओके दोबारा से यहाँ पे। यार यहाँ पर ना बहुत बहुत डर्ट है, तो मेरे को शोवल भी बना के लेके आने पड़ेगी, यानी कि मेरे को पहले, एक सेकंड क्या हो रहा है, टॉर्च लगा लेता हूँ। ये देखो यहाँ पर बहुत सारी डर्ट है, मैं पूरा मतलब अच्छे से अपना जो एरिया उसको बना सकता हूँ। यार हम लोग आएंगे, पक्का आएंगे, शोवल लेके आएंगे। एक नोट मिला मेरे को, ऐसा लग रहा है जुकाम लगा हुआ है इस बंदे को, बवाल टलाई से कर गया, सही से नोट भी नहीं पढ़ा, उसको लग रहा होगा ये ध्यान तो दे ही नहीं रहा, ऐसे ही पढ़ लो।
चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं लास्ट वाले में, और यहाँ से देख एक और नोट मिला, यहाँ से देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। वैसे यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली थी वो मैंने सारी कुछ कलेक्ट कर ली है। अब यहाँ अब ये देखो इतना धीरे बोल रहा है, ऐसा लग रहा है गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। इनका सबको मेरे को लग रहा है ना बेचारे बहुत सारे यहाँ पर छूट गए थे तो अपना दुख। एक सेकंड यहाँ पर बंदा है कोई, ये लो बेचारा ये क्या करेगा यहाँ पर यार, बियर वगैरह का खतरा है यहाँ पे। तो एक सेकंड पहले मैं देख लूँ कि कहाँ से एक्टिवेट कर रहे हैं। प्लास्टिक तो नहीं चाहिए अपने को, प्लास्टिक अपने। ये देखो एक और चीज़ मेरे को मिली काम की, और फ्रिज में कुछ है खाने को। बेचारा कैसे जिंदा रह रहा, बियर पी रहा है यहाँ पर, देख रहे हो इसको। यू कैन नाउ रिसर्च फ्यूल टैंक, ओके तो फ्यूल टैंक भी हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया है यहाँ पर, और कुछ भी मेरे को नहीं मिला। इस बंदे से बात करेंगे फिलहाल। मेरे को एक कोड मिला 1573, तो क्या हमारे नोटबुक में आ चुका है 1573? ओके तो ये नई जगह का लोकेशन आ चुका है, हमको बहुत सारी चीज़ें मिली हुई यहाँ से। ये देखो नोटबुक में देखो मेरे, ये देखो ये सब चीज़ें मेरे को वहाँ पर लगानी पड़ेंगी। हाँ तो रिले स्टेशन 1 में लगानी पड़ेंगी शायद, 2 में सॉरी, न्यू प्लेएबल कैरेक्टर। अब इसको करना क्या है मुझे, तो मेरे पीछे गायब हो चुका है ना, ठीक है जो भी करना था मैं कर चुका हूँ उसके साथ। अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से बाहर, यहाँ का अपना पूरा काम हो चुका है कंप्लीट, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब यहाँ से चल रहे हैं हम लोग बाहर। यहाँ से बंद है आगे से, इधर से घूम के जाना पड़ेगा। तो मेरे को ना 2 पर आना है वापस, और 2 पर हमको एक टूल से लगाने, वहाँ से हमको कुछ और चीज़ मिलेंगी जो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो पजल वाला है यहाँ पर भी थोड़ा सा है ही, मतलब ये सब काम करने वाला। चलिए यहाँ से भी हमारा काम हो चुका है, मैं इस केव से आया था ना आई थिंक। हाँ मेरे को मेटल वगैरह मिला क्या कुछ? नहीं हम ये नहीं बना सकते, इसके लिए प्लैंक मेटल इनगेट। अब मुझे यहाँ से जाना है नीचे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि यहाँ भी मुझे कहीं पे ना वो बियर दिखा था। ये देखो ये वाली बेरीज, आई थिंक यहाँ से जाना है। तो वापस जा रहे हैं रिले स्टेशन 2 में, और वहाँ पर मुझे देखना है कि वहाँ पर क्या हमको मिलने वाला है, मतलब उसको लगाने के बाद, ये सारे जो टूल्स मेरे को मिले ना वो रखने के बाद, बस मेरे को बियर ना मिले। रात का टाइम हो रहा है, मैं सही जा रहा हूँ? मुझे पहले वो भी डाउट है, आई थिंक सही जा रहा हूँ। रिले स्टेशन 2, ओके ओके वापस आ चुका है, वापस आ चुका है। रात के टाइम पे इसके लड़ना होगा। ये मामा बियर तो नहीं है? नहीं यार वो नहीं। गिलो हो गया। हाँ इससे निपटना तो थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा मुझे अब, क्योंकि पता है कैसे कैसे फाइट करनी है। इसने लेके मेरे को रास्ता भटका दिया, मैं किधर से आ रहा था किधर जा रहा था सब भटक गया मैं वापस। अब जाके मुझे दोबारा साइन बोर्ड देखना होगा कहीं पर, अगर है तो। ओके यहाँ पर साइन बोर्ड है, तो एक बार देख लेता हूँ कि कहाँ पर जाना है। रेलवे स्टेशन 2 इधर की साइड को है, तो अब जाके मेरे को देखना है कि कहाँ पर मेरे को टूल्स लगाने थे। मुझे लग रहा है कि शायद मेरे को यहाँ, ओके ओके यहाँ पर लगाने थे। ये लग गया, ये लग गया, ओके कुछ खुला यहाँ पे। नोट मिला मेरे को एक, न्यू नोट एडेड। ये नोट में क्या होगा? मैरी क्रिसमस फ्रॉम नोवेयर, कुछ काम की चीज़ है, बस इतना ही था यार। ये ऑप्शनल था मुझे लग रहा है, मैंने ऑप्शनल चीज़ कर ली यहाँ पे, जो कि मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी, मतलब नहीं भी करता चल जाता, बट ठीक है मैंने कर लिया। कुछ है क्या मेरे को? एक ऊपर चेस्ट दिख रही। ओके खाना मिला मेरे को कुकड चलिए ठीक है, अब यहाँ से निकल रहे हैं वापस, क्योंकि यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं वापस राफ्ट में जा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग मामा बियर को मारने के लिए आएंगे, ठीक है गाइस? तो चलिए अभी निकल ही रहे हैं यहाँ से चुपचाप, नीचे को खिसक लेते हैं। दोबारा यहाँ पे बियर आ चुका है, लेकिन ये फंस चुका है, ये मरने वाला है ऐसी। ये कहाँ से आ रहे इतने सारे यार? जाएगा जाएगा, निकल गया, मतलब फंस गया था, आराम से मार दिया मैंने इसको। रात के अंधेरे में अचानक से कहीं से भी बियर आ जा रहा है। मेरे पास लेदर बहुत सारा हो चुका है, अब बस मेरे को कोई मारा नहीं, मैं सही सलामत नीचे पहुंच जाऊं। उसी की कोशिश कर रहा हूं जाने की, कहां से जाना है मेरे को? शायद नीचे जाना है, सीधे नीचे जाना है मुझे, कहीं साइन बोर्ड नहीं देखना, बस नीचे जाना है। नहीं 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 नहीं, गलत जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ। तो वहाँ से बच के वापस आ चुके हैं। एक और बियर को किल करने के चक्कर में पानी में गिर गया था, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, तो तैरते हुए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब हम लोग पहले तो सारा सामान रखता हूँ, मेरे को बहुत सारा सामान मिला हुआ है, वो सारा सामान मैं रखता हूँ। ब्लू प्रिंट्स वगैरह, ये एक तीन ब्लू प्रिंट्स मिले मेरे को, ये भी काम आएगा, ये रख लेता हूँ। अब मेरे को ना यहाँ से शोवल बनानी, ये हिंजेस वगैरह रख लेता हूँ, ये रख लेता हूँ, ये रख लेता हूँ। बायोफ्यूल ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मशरूम वगैरह तो ऊपर रखना होगा। मेरे पास ना मेटल नहीं है, तो क्या मुझे मेटल बनाना चाहिए? एक सेकेंड, मेरे पास हुक था ना कहीं पे, हुक था, ये मेटल मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे को अभी वो भी बनाना है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि हाँ मेरे को स्पीयर भी बनाना है वापस जाने के लिए वहाँ पर, और फिर जाके हम लोग जो मामा बियर है उसको किल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये खाना कुक करने रख देता हूँ, यहाँ पर वुड वगैरह है नहीं, वैसे भी पानी भी पीना मेरे को, लेकिन मैं इस सारा पहले हम लोग क्या बना सकते हैं इससे, और मैं क्या नहीं बना पाया था, ये नहीं बना पाया था ना लेदर आर्मर, वूल चाहिए इसके लिए, वूल मेरे पास नहीं है। अगर मैं वो बनाता हूँ तो इसके लिए चाहिए मेटल। तो अभी फ़िलहाल
ये लेदर में रख रहा हूँ यहाँ पे, ये भी रख रहा हूँ यहाँ पे, और ये यहाँ पर रख लेते हैं। पानी वानी ले लेता हूँ फटाफट से, उसके बाद नीचे थोड़ा मेटल ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मेटल तो मिल ही जाना चाहिए यहाँ पे। चलिए अब चल रहे हैं नीचे, बस मेटल मिल जाए मुझे आसपास। थोड़ा सा शार्क भी दिख रही है मेरे को, मेरे पास स्पीयर भी नहीं है इसको मारने को। इसको छोड़ो यार, अभी करने दो उसको जो कर रही है। मेरे को मेटल चाहिए थोड़ा सा। यहाँ मेरे को ना बिल्कुल भी मेटल नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ कॉपर तो है बट मेटल बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि हमको ना शायद अभी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को शोवल भी बनानी है और मेरे को जो नेट है वो भी बनाना है। तो वो दो काम हम लोग अभी नहीं कर सकते, उसको छोड़ते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना मामा बियर को किल करने चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा रिस्की मामला है बट हमको करना पड़ेगा। अपने पास सब कुछ है, बोल्ट वगैरह हटा लेता हूँ यार, ये बोल्ट काम आएगा बाद में, ये हटा लेता हूँ। अपने पास खाना वाना सब कुछ है, तो सीधे हमको जाना है और उसको किल करना है, ट्राई करना है किल करने का। ये भी ये रख लेता हूँ, ये काम आएगा मेरा बाद में, क्योंकि यहाँ पर वुड वगैरह तक का तो कोई काम है नहीं। अब पानी निकालना है मुझे यहाँ से। चलिए अभी चलते हैं मामा बियर को किल करना है। यार यहाँ पर भी पानी, एक सेकंड, मरवर ना जाए कहीं पर। थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ बस, फिर हम निकल रहे हैं यहाँ से। अगर उसने खाए नहीं होंगे ना, फिर मेरे को पता है कि मुझे उसको कैसे मारना है। बस वो बैरीज उसने खाई नहीं हो, ख़त्म ना करी हो। वैसे मैजिकल बैरीज होंगी तो शायद ख़त्म ना हुई हो अभी तक, क्योंकि वो उसको इतना ज़्यादा पसंद थी कि उसने सब कुछ छोड़ दिया। जिस केव की रखवाली के लिए वो थी ना, वो छोड़ दी उसने। तो अब अगर मैं मरता भी हूँ ना, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अपना काम कर चुका हूँ और बैकअप अपने पास है। बस वो खर्च होगी अपनी और बाकी कुछ ऐसा है नहीं। ओ आर्मर था क्या यार, मुझे ना आर्मर रख के आना चाहिए, क्योंकि आर्मर बहुत महंगा है और चांस पूरे पूरे हैं मेरे मरने के। तो फटाफट से ना आर्मर रख के आता हूँ वापस, क्योंकि आर्मर से कुछ नहीं होने वाला। अगर उसको मारना होगा तो वैसे भी मार लेगी, वो इतनी ताकतवर है। तो मैंने बो भी नहीं बना ली है, क्योंकि मुझे पता है कि यार एक बो पूरी लग जाएगी और हम लोग उसको ना किसी टेक्निक से मारने वाले हैं, अगर वो काम करेगी तो। क्योंकि वैसे तो उसको मारना थोड़ा मुश्किल काम होने वाला है। यहाँ पर बियर होगा, इससे पहले मैं पहले ही खिसक लेता हूँ यहाँ से। मेरे पास स्पेयर नहीं, अगर वो वाला बियर आ गया ना तो फिर मुश्किल होने वाला है काम। फिलहाल मैं भाग रहा हूँ, वहाँ सामने था ना वो, आई थिंक वो अभी भी खाने में लगी पड़ी है। ओके ओके, तो मेरे को बहुत ध्यान से जाना होगा यहीं से चुपचाप। मैं एक स्पेयर तक नहीं बना के लेके आया, मैं वैसे भी वुडन की स्पेयर बना के क्या करता यार। मेटल की स्पेयर से जब उसको कुछ नहीं हो पा रहा है तो वुडन से क्या ही होता। चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। चांस पूरे पूरे हैं मेरे मरने के, बट ट्राई करेंगे उसको मारने का। ओके ओके, हम लोग मार सकते हैं उसको। ओके, तो ये एक ग्लिच है जिससे कि वो फंस गई। देखो बैरीज ख़त्म ही नहीं हो रही, इनफाइनाइट है। 3-4, मेरे को मेटल एरोज कलेक्ट करने होंगे। तो ये फ़ायदा है कि हम लोग को ना ज़्यादा मेटल एरो नीचे होंगे, उसको लगेंगे पूरे 50। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और थोड़ी देर में मिलते हैं इसको किल करने के बाद। इसके पास जाके मार रहा हूँ उसको यार। अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना, मैं गया काम से। मैं बार बार अपना एरोज कलेक्ट भी कर रहा हूँ। मेरे को एक और बो लेके आनी चाहिए थी, इनकेस अगर नहीं हुआ तो दिक्कत होने वाली है। मेरे ना मेटल एरो सारे नीचे चले गए, मैं इनको ओके पिक कर पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। पता नहीं मैंने कितने एरोज को मार दिए, लेकिन 20 तो मार ही दिए होंगे। अभी और हैं काफ़ी, बस सही सलामत रह जाऊँ मैं। मेरी बो जाने वाली है काम से। मैंने अगर मेटल एरो यूज़ किए होते ना तो शायद जल्दी मार पाता, लेकिन मेटल एरो मेरे ख़त्म हो चुके हैं। अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को इसको मारना, क्योंकि मेरी बो ख़त्म हो गई। एक और बो मेरे को लेके आने, मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी यार, ये नहीं मरने वाली ऐसे। मैं गया काम से, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ से चीज़ें कलेक्ट तो कर रहा हूँ, या मेरी बो जाने वाली है। मर जा अबे, मर जा यार, क्यों नहीं मर रही है। लो गई, अब मैंने चुपचाप यहाँ से खिसक लेता हूँ, ठीक है। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे को भागना है यहाँ से। ओ शिट, कहाँ है पता नहीं, शायद आ नहीं रही। ओके, शायद आ नहीं रही है। कल दोबारा से आऊँगा तैयारी करके, फिलहाल मेरे को जाने दो यहाँ से। हाँ यार, मैंने उसको इतना ज़्यादा मारा उसके बाद भी, मतलब मेरे को दो बोज बना के लेके आना। अगर दो बो होते ना स्टोन एरो से मार पाता, तो मेटल एरो से उसको मारने में के लिए 50 एरोज चाहिए, जो कि मैं बार बार कलेक्ट कर रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद वो एरोज मेरे को शायद टूट रहे थे, मेरे को वापस नहीं मिल रहे थे।
अब मेटल तो यहाँ पे है नहीं, तो मेटल एरोज तो मैं नहीं बना सकता। मैंने अपने कुछ कुछ मेटल ना बर्बाद कर दिए बाकी सारी चीज़ों में। उसको मारने के लिए मेरे को मेटल तो लाना ही पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल होगा उसको मार पाना। उसने मेरे को एक एक तो मारा था, मतलब मैं बच गया, लेकिन अब मेरे को मेटल चाहिए कहीं से। मैं कैसे लाऊं मेटल यार, मैं ट्रेड करने को यहाँ पर कुछ है भी नहीं। तो फिलहाल पहले पानी वानी रखता हूँ, सो जाता हूँ, कल सुबह हमारी हेल्थ रिस्टोर हो जाएगी तो सोचते हैं फिर क्या करना चाहिए मुझे। वो नहीं नहीं नहीं, मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा मेटल मिला है, बट अगर ये शार्क मेरे को मार डालेगी तो फिर ये भी गया काम से। तीन मेरे को मेटल मिला है यहाँ पे, मैं बस निकल रहा हूँ इसके बाद से। ओके, अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, उसने मेरे को ऑलमोस्ट मार ही डाला है। फटाफट से यहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि अब अगर इसने एक और अटैक किया तो मैं गया काम से। मेरे को थोड़ा ऊपर चढ़ना होगा ताकि ये ना आ पाए। ओके ओके, अभी मैं बीच में आ चुका हूँ। हाँ, तीन मेटल मिल चुका है, तीन से मैं एरोज बना पाऊँगा। मैं सिर्फ एरोज बनाने वाला हूँ और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ताकि मैं अब इस बार जाके उसको मार पाऊँ। पता नहीं, शायद वो डैमेज इस बार समझ ना जाए कि ये फिर आ गया मुझे मारने के लिए। मेरे पास वुड है क्या? वुड बिल्कुल भी नहीं है। वुड कहाँ गया? थोड़ा सा वुड ये है। स्मेल्ट करने के लिए कुछ है क्या मेरे पास? यार ऐसा ना हो कि स्मेल्ट करने को ही कुछ ना हो। शायद मेरे पास वुड तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है वैसे वुड की। ओके, तो दो मेटल ये हो चुका है, मैं इसको रख रहा हूँ यहाँ। मैं ये वाली बो भी रख रहा हूँ, ये वाली बो भी रख रहा हूँ, ये हटा लेते हैं। और थोड़ा सा मैं ना कुछ और एरोज़ बनाने हैं मेरे को, तो मैं देख रहा हूँ कि उसके लिए हमारे पास फैदर वगैरह है क्या। यहाँ से कुछ हटा सकते हैं? फैदर तो है अपने पास। क्या क्या चाहिए मेटल एरोज़ बनाने को? मेटल एरोज़, फैदर, प्लैंक। ओके, प्लैंक मेरे पास कितना है मेरे को देखना होगा। ओके, तो मैंने मेटल एरो बना लिए। मेरे पास कितने मेटल एरो हो चुके हैं? 18, ठीक है। बाकी ये सीड वगैरह रख लेता हूँ यहाँ पे, रैंडम जगह पर कहीं पर भी। दो एरो ले लिए मैंने, खाना वाना रख लिया। खाना थोड़ा सा और ले लेता हूँ, वैसे खाने की ज़रूरत है नहीं इतना, बट शायद अभी के लिए चाहिए तो खाना थोड़ा सा रख लेता हूँ। तो कुक करने रख लेता हूँ, कुक्ड खाना है नहीं क्या मेरे पास कुछ? ये रख लेता हूँ, ठीक है। अभी चलो यहाँ से, अब चलो यहाँ से। इस बार किल हो जानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसको मारा था बहुत, अब तो मर ही जानी चाहिए यार। मेरे पास यहाँ पर वुड भी मैं लेके आ रखा हूँ, मेरे को वुड रख लेना चाहिए था यार, वुड की ना बहुत ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पर वुड बिल्कुल नहीं मिल रहा है, मतलब मैंने थोड़े बहुत पेड़ लगाए थे अभी, उससे काम चल गया, वरना बहुत मुश्किल हो जाता। बट वो पेड़ भी मेरे ख़त्म होने को है। इस बार पता नहीं यार उसको समझ में आ जाएगा कि मैं वापस वही काम करने वाला हूँ या नहीं, पर ठीक है ठीक है, हम लोग जाते हैं, इस बार दोबारा जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। डर तो लग रहा है यार वापस से जाने में, बहुत मुश्किल से मैं वहाँ पहुँचा था और उससे फाइट कर पा रहा था। चलते हैं, खैर चलना तो है। वो अभी खाने में लगी हुई है क्या? हाँ खाने में लगी हुई है, लेकिन उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने बहुत ध्यान से जा रहा हूँ, उसने मुझे लग रहा है डायरेक्शन चेंज कर ली इस बार। ओके, तो इस बार तो और मुश्किल होने वाला है। कहाँ से है वो? यार कुछ मत करना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओके, साथ साथ कलेक्ट भी कर लेता हूँ। सिर्फ तीन एरोज बचे हुए थे यार, मैं अगर एक और बो लाया होता ना, इतना मेरा दिमाग ख़राब नहीं होता। फिलहाल यहाँ से मैं सामान अब देखो कलेक्ट करता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। इसको मारने का फ़ायदा मैं बताता हूँ। देखो यहाँ से हमको ना बहुत सारा, चार लेदर मिला, पाँच छः सात, और खाना देखो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये देखो ये खा रही थी वो। अब मेरे पास मेटल वेटल नहीं है, तो हम लोग ना जो मेटल वाला काम है, यानी कि जो यहाँ से चीज़ें कलेक्ट करनी है, जैसे कि डर्ट कलेक्ट करनी है मेरे को और बाकी सारी जो चीज़ें कलेक्ट करनी है, वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, क्योंकि तब हम लोग बायोफ्यूल वगैरह वो सब भी बनाएंगे, हनीकॉम वगैरह सेटअप करेंगे सारा, और बीहाइव्स वगैरह, तब हम लोग फिर उससे हम लोग गैस वगैरह बनाएंगे और बाकी सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आइलैंड में जाएंगे, जो भी सब कुछ होगा। यार फाइनली, एक सेकंड, ये क्या है? ओके फाइनली उसको मारा ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक और बियर है ना, उसको भी मैं टपकाता हूँ अभी। है वो इधर कहीं पे होगा शायद, यहाँ पे ये है, ये है, इसको भी मारता हूँ मैं। आजा आजा, तू भी आजा। कहाँ गया, कहाँ गया? आ रहा है, आ रहा है। ओ मेरी वो बोट टूट गई। ओके, ये तो खैर आराम से मार सकते हैं, इसको कुछ है ही नहीं इसमें दम। चलिए इसको भी ख़त्म कर लिया, तो थोड़ा सा और हमको मिल चुका है लेदर, और मेटल एरो अपने कलेक्ट कर लिया। यार मेटल अब मेरे पास ख़त्म हो चुका है बिल्कुल भी, तो मेरे को ना नेक्स्ट एपिसोड में पहले ही दूर जाना पड़ेगा किसी और आइलैंड में, वहाँ से मेरे को सामान, क्योंकि यहाँ आसपास मेटल है ही नहीं। मतलब यहाँ पर रीफ, कोरल रीफ्स वगैरह है नहीं ना, उसके आसपास मेटल होता है। वो मेरे को तीन मिल गया,
कॉपर तो यहाँ पे है, कॉपर कम से कम 8-10 मेरे को दिखा था, वो 3 मेरे को मिल गया तब हम लोग इसको मार पाए, वरना शायद मैं वैसे आता अटेम्प्ट करने तो मेरे को स्टोन से भी मार सकता था इसको आराम से। एरोज थोड़े से ज़्यादा लगते, लेकिन 50 एरो समझ रहे हो मतलब कितनी ज़्यादा पावरफुल है यार ये, कितनी खतरनाक बॉस थी, और हमने उसको किल कर लिया उसकी आंखों के सामने जाके। अब मैं दिखाता हूँ, सारा लेदर रखता हूँ, हमारा आर्मर तो ऐसे कंप्लीट हो चुका है तो ये जो लेदर है ना ये काम आने वाला है हमारा बहुत ज़्यादा। और यहाँ से हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक सेकेंड, मैं क्या क्या लेके आया था वहाँ से, ये आर्मर है अपना, और बाकी मैंने कुछ कुछ चीज़ें यहाँ रखी ना। हाँ ये देखो, ये हमको एक ये मिला हुआ, ये मिला है, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। और अब हम लोग बायोफ्यूल वगैरह बना सकते हैं, एक बार मैं देखता हूँ कि कैसे बनने वाला है, क्या कुछ है हमारे पास। मेरे को नेट वेट बनाने होंगे लास्ट अगले एपिसोड में, तो देखता हूँ कि कहाँ पर है वो, एक सेकेंड कहाँ पर आ रहा है ऑप्शन बनाने का बायोफ्यूल। मेरे को ना वो करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, मैंने अभी उसको रिसर्च नहीं करा हुआ है। नहीं नहीं, यू लर्नड आ रहा था ना, यानी कि मैं सीख चुका हूँ। एक तो ये है हमारे पास, ये तो पहले एपिसोड में आ चुका था, जो टैंक आया था वो टैंक नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ तो नहीं है, एक सेकेंड, वो सीखना पड़ेगा क्या वापस से, मुझे लग रहा है सीखना पड़ेगा। ये तो सीख चुके हम लोग, वो था यहाँ, नहीं कहाँ पे था, यहाँ पे। एक बार लर्न करके देख लेते हैं कि क्या हम सीख पा रहे हैं उसको जल्दी से। और लेदर देखो मेरे पास कितना लेदर हो चुका है, 21 स्टैक और हाफ, 1.5 स्टैक मेरे पास लेदर हो चुका है। और खाना देख लो यहाँ पे खाना देख लो कितना सारा खाना हो चुका है। फिलहाल ये सब आर्मर पहन लेता हूँ, और ये बाकी कुछ नहीं आर्मर यार, इतना ही आर्मर है। हाँ मेरे को लर्न करना पड़ेगा शायद, मुझे ऐसा लगा। ये देखो ये कुछ, ओ यहाँ से लर्न करने का ऑप्शन आ रहा है, मतलब हमको वो करने की ज़रूरत है नहीं, हम लोग वैसे ही लर्न कर सकते हैं। देखो हमारे पास पाइप आ चुके हैं, फ्यूल पाइप, जिसके लिए स्क्रैप चाहिए, फ्यूल टैंक है जिसके लिए हमको वापस से मेटल चाहिए बोल्ट बनाने को, तो यही सब चीज़ें हमको करनी होंगी तभी सेटअप कर पाएंगे, यानी कि अब हमको बहुत सारा मेटल चाहिए होगा, या हम ट्रेड कर सकते हैं, जिसके लिए मैं ऑलरेडी तैयारी कर रहा हूँ। देख ओ हाँ, एक चीज़ मेरे को करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये मैं ये सब कलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो हमारे पास हो चुके हैं 18 यहाँ पे। फिलहाल मुझे कुछ करना था, मुझे बनाना था एक साइन बोर्ड, बड़ा वाला ट्रॉफी बोर्ड, तो उसके लिए मेरे को चाहिए प्लैंक। प्लैंक मेरे पास नहीं है, 1-2-3 यार प्लैंक नहीं है क्या मेरे पास, मेरे को साइन बोर्ड बनाना था अभी किसी भी हाल में। यहाँ पर भी कोई पेड़ लगा नहीं हुआ, मेरे को ना साइन बोर्ड बनाना था ताकि वो वाली हम लगा पाएँ। खैर कोई बात नहीं, हम लोग उसको बाद में लगाएंगे। जो हेड है मैं एक बार पहन के दिखाता हूँ आपको कि मैं कैसा लग रहा हूँ इस हेड को पहन के। ये देखो ये खतरनाक फेस था जिसने हमको मारा था लास्ट एपिसोड में, लेकिन हमने फाइनली इसको मारा उसके सामने जाके। फिलहाल इसके साथ आज का ये एपिसोड करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।